नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत में आपका स्वागत है। मैं अश्विन कुमार। त्रिपुरा के इंडिजिनियस पीपल यानी कि त्रिपुरा से लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशंस की मांग को लेके पिछले 28 फरवरी से त्रिपुरा मथा पॉलिटिकल पार्टी की चीफ महाराजा प्रद्युत ने हंगर स्ट्राइक कॉल किया था। वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट की हाथाई कोत में हुए ये हंगर स्ट्राइक आज चौथा दिन है। यहाँ मौजूद है। पिछले पहले दिन ही महाराजा प्रद्युत दिल्ली चले गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग करने के लिए। आज चौथा दिन में दिल्ली में त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर और त्रिपुरा मथा पॉलिटिकल पार्टी बुबाग्रा प्रद्युत की को लेके सिग्नेचर होगा। एग्रीमेंट में कौन सी पॉइंट है, कौन सी मुद्दा है, आइए आज हम यहाँ मौजूद पॉलिटिकल लीडरों के साथ बात करते हैं और समझते हैं। का जब से ये त्रिपुरा मथा शुरू हुआ था ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन को लेके महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य यहाँ सभी को थामचा किया। त्रिपुरा में एडीसी सरकार में लाया और 13 विधानसभा में असेंबली सीट लाने के बाद महाराजा ने सबको इकट्ठा करके आंदोलन से यहाँ बरमुरा हाथाई कतर में एक हंगर स्ट्राइक बिना खाके हर त्रिपुराशाओं को बुला के ये मजबूर किया केंद्र सरकार को। त्रिपुराशाओं का लैंड राइट, ऑटोनोमस राइट, हिस्टोरिकल राइट, एजुकेशनल राइट और इकोनॉमिक राइट वो मिलना चाहिए। इसलिए हम इकट्ठे हुए और पूरा सारे त्रिपुरा के आदिवासी यहाँ की प्राशा आने के बाद यहाँ एक साथ आवाज उठाने के बाद आखिर में दिल्ली से महाराष्ट्र को बुलावा आया है, आप आ जाए, आप रिटेन में एमओयू का कॉपी ले जाए, हम आपको इकोनॉमिक राइट, हिस्टोरिकल राइट, लैंड राइट, ऑटोनोमस राइट, एजुकेशन राइट देने के लिए अभी राजी हुए हैं। तो अगले 6 महीने के अंदर तमाम जो मुद्दा, तमाम जो वायदे जो किया है केंद्र सरकार की होम मिनिस्टर अमित शाह जी और होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से जो ट्राइपार्टाइट तीन पार्टियों का जो आज एग्रीमेंट हुआ है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा मथा का बीच, ये अगले 6 महीने में ये इम्प्लीमेंट होने का एक कमिटी करने का भी ऐलान किया गया है। तो ये एक हिस्ट्रिक जीत है, ऐतिहासिक जीत है, त्रिपुरा मथा का जीत है, महाराजा का जीत है, बुबाग्रा का जीत है और हमारे त्रिपुराशाओं का जीत है। ये अगले दिनों में त्रिपुराशाओं का इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल यहाँ डेवलपमेंट में ये एक ऐतिहासिक खंड लिखा जाएगा। तो हम भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और महाराजा को हम नमन करते हैं, शुक्रगुजार है सारे त्रिपुरावासी जो आज यहाँ तक ला के खड़ा करके हमारे त्रिपुराशाओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन तक खड़ा कर दिया। सबको धन्यवाद और मीडिया जो दोस्त लोगों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा कि आज ये त्रिपुरा और त्रिपुराशावासी के लिए एक ऐतिहासिक दिन हो चुका है। कल ही पिछले कल हमारा जो महाराज बुबाग्रा जी ने अपडेट दिया था मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, उन्होंने कल बताया कि आज कुछ ना कुछ हम लोग को त्रिपुराशा को जो वादा किया था वो हम लोग को कुछ ना कुछ ला के देगा। वो आज
वो जो सपना था वो आज आज हकीकत में आज एक्चुअली में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होम मिनिस्टर उन्होंने आज वो जो त्रिपुरा के लिए जो एकॉर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोल्यूशन का जो मांग था उसमें आज उसका जो एग्रीमेंट या फिर उसका जो एकॉर्ड आज सपना और सच बन के उतर है। ये जो हमारा ये जो मांग है ये सिर्फ बुबाकरा का नहीं है, जो हमारा जो त्रिपुरा लोगों ने इतने दिनों से हम लोग का जो हम लोग इंतज़ार कर रहा था वो आज सपना था वो आज हकीकत में बदल चुका है। तो मैं बुबाकरा को तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा और जो हमारा त्रिपुरा लोग सभी त्रिपुरा लोगों को जो इतना दिनों तक थांचा बन के रहा उन सबको मेरा तहे दिल से आज का जो दिन है आज का 2 मार्च है ऑफ 2024 इस हिस्ट्री डे है, इतिहास का दिन है आज, क्योंकि आज का दिन है जो हम लोगों का जो स्ट्रगल चल रहा था जिस दिन से बुबाकरा आके अपना का राइट अपना का जो लैंड राइट है वो जो लैंड राइट है कल्चरल राइट है आइडेंटिटी है जो हम लोग मांग के आ रहा था वो आज का दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ साइन हुआ है। इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा हिस्ट्री इतिहास का दिन है, इसलिए त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग आज बहुत खुश है। फ्यूचर में अगर हम लोग ये सब जो आज एग्रीमेंट हुआ है उसको अगर इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा तब तो हम लोग का जो डिमांड है जो हम लोग का लैंड राइट है वो हम लोग का खुद का हो जाएगा, हम लोग का डेवलपमेंट के लिए हम लोग खुद डिसीजन ले पाऊँगा, हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है खुद एडमिनिस्ट्रेशन चला सकूँगा। इसलिए आज का दिन ये इतिहास का दिन है, इसलिए हम लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज का दिन हम लोग इतना मेहनत करने के बाद इतना प्रोटेस्ट करने के बाद इतना एजिटेशन करने के बाद आज का दिन ये सफल हुआ है। इसलिए हम लोग उम्मीद करता है आगे में हम लोग जितना जो एग्रीमेंट जो पॉइंट साइन किया है उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ, उसके बाद हम का जो इंडिजिनस पीपल का सेफ गार्ड हम लोग दे पाऊँगा। इसलिए आज का दिन बहुत खुश हूँ। जितना तक हम लोग दिल्ली से जो खबर सुना है अभी वो हमें लैंड राइट है एडमिनिस्ट्रेशन पावर है जो फाइनेंशियल पावर है और कल्चरल राइट है वो हेरिटेज है हिस्ट्री है उसके बाद लैंग्वेज है, ये सब मिलके हम लोग का जो दफा के लिए जो भलाई के लिए आज का दिन बुबाकरा और हम लोग का सीनियर मोस्ट विजय राघव एंड हम लोग का ऑपोजिशन लीडर अनमेश जबरमा उन लोग साइन करके और त्रिपुरा का चीफ सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट happy in the leadership of our Bubagra we have achieved a constitutional solution to hum log yahi message dena chahte ho aaj logo ko agar regional political party pe bhi hum log thansa hoke kaam kar sakta hai to it is possible to achieve any demand that we are doing it so hum log 28 tarikh february se yahan par hum log hunger strike pe baitha hai aur aaj
दो तारीख मार्च हम लोग का जो ये हंगर स्ट्राइक है वो समाप्त हुआ। समाप्त इसीलिए हुआ क्योंकि दिल्ली पे बुवाग्रा हमारा त्रिप्रमोथा का लीडर्स लोगों को लेकर जाके उन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए। उस एग्रीमेंट पे लैंड राइट्स, इकोनॉमिक्स पावर और ये कल्चरल और भी लाइक फॉरेस्ट पावर, ये सब वहाँ पर एग्रीमेंट पे साइन किया गया है। और उसमें हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन श्री अनिमेश देवर्मा सर जी भी है और हम लोग का प्रेसिडेंट श्री बीके रांखल सर वो भी है और श्री अमित शाह जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने भी साइन किया है उस एग्रीमेंट पे। हम लोग एक ही मैसेज भेजना चाहते हैं त्रिपुरा का जितना भी जनजाति हो, जितना भी जनरल लोग हो, उनको एक ही मैसेज भेजना चाहते हैं, ये जो हम लोगों ने डिमांड आज तक करके आया है ये किसी का खिलाफ नहीं है। हम लोग त्रिपुरासा लोग पिछले 75 ईयर्स से डिप्राइव है, हम लोग का राइट्स हमारा ओन लैंड पे हम लोग नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बुवाग्रा इतना संघर्ष करने के बाद, पता है आप लोगों को ऑलमोस्ट 100 आवर्स ही डिड नॉट हैव हिज फूड, विदाउट हैविंग फूड ओनली ही फॉट टिल हिज लास्ट ब्रेथ। सो उसी के लिए आज हम लोग ये अचीवमेंट हो पाया है। सो वी वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल, ऑल द त्रिपुरासा पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन आवर मूवमेंट, इन आवर स्ट्राइक, बिकॉज ऑफ देम एंड बिकॉज ऑफ लव ऑफ दोज पीपल वी हैव अचीव्ड टुडे अ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन थ्रू द लीडरशिप ऑफ आवर बुवाग्रा, बिलव बुवाग्रा। भारत न्यूज चैनल, looking at your channel, I could feel today really Modi ji, the government of India has included the Tiprasa, the considered as the citizen of this country. The present update is, as per what we have seen in the social media, is the Tiprasa Accord has been already signed. Our voice, our unity has been already reached in the ear of the government of India, Sri Narendra Modi and Honorable Amit Shah. They have signed the agreement. And this has been possible because of our unity and because of our genuine leader, because of our Maharaj Prorut Kishore.